मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। डिंडौरी में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा नेताओं ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में बसपा की जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। डिंडौरी के शाहपुरा नगर के मंगल भवन में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बसपा जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता जोश के साथ पार्टी को मजबूत करने में लग जाएं। बहुत जल्द बसपा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। साथ ही असगर सिद्दीकी ने शाहपुरा को जिला बनाने की मांग भी सामने रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की दमनकारी नीति से जनता परेशान है। बसपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम 8 मांगों का ज्ञापन SDM को सौंपा। बसपा जॉन प्रभारी उमाकांत बंदेवार ने इन 8 मांगों के बारे में विस्तार से बताया। जायज मांगों को पूरा करें और तीसरा, हमारा समूह जो रसोईया संघ है, जो मध्यान्ह भोजन बनाते हैं स्कूलों में, उनको 2000 रुपया पेमेंट दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो उनकी नियमित का दर्जा दिया जाए। और अंशकालीन जो स्कूलों में भृत हैं, चौकीदार हैं और जो बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं 5000 में अपना घर चला रहे हैं, उनका पूर्णकालिक में दर्जा दिया जाए। इसके बाद हमारी एक मांग है, अमृत सरोवर जो केंद्र सरकार की योजना है, जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, जो डिंडौरी जिले में व्यापम तरीके से घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जाँच हो। और हमारी एक मांग और है कि जितने भी यहाँ शहपुरा के अंदर शराब माफिया, सट्टा माफिया हैं, ये सारे लोगों को बंद करा दिया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग चैन से सोएं, गुंडा माफिया नहीं चलेगा, ये BSP चाहती है। और ये तमाम घटनाएं इस तरह की कि पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है, हमने अपने समाज के लोगों से कहा कि आप इन सारी समस्याओं से निजात पाना चाहते हो तो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार आप लोग बनाए और इन सारी समस्याओं से निजात पाए। और इसी के साथ साथ चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार हो, इन सब क्षेत्र में भी बहुजन समाज पार्टी एक बेहतर, मतलब जो है, लोगों को निर्णय देगी, बहुत अच्छा काम करके देगी। इन्हीं के साथ आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।